दोस्तों, ऑक्टाविया है और डीजल मॉडल है। आज इसका एसी फिल्टर की लोकेशन बताएंगे। तो एसी फिल्टर आपको खोलने के लिए क्या क्या खोलना पड़ेगा इसके लिए? एसी फिल्टर खोलने के लिए आपको ग्लोव बॉक्स खोलने की ज़रूरत है, जो कि मैं खुलवा रहा हूँ एक बार एसी फिल्टर के लिए। तो एक बार बिलाल भाई इसे खोलो और खोल करके फिर दिखाओ। खोला है एक, यहाँ पर पेज खोला है। कितने नंबर एलंगी का है? ये 20 नंबर एलंगी का है। अच्छा, 20 नंबर स्टार का है, स्टार का। और एक यहाँ से खोला है। अच्छा। और एक इधर है, इसमें चार पेज होते हैं। इधर पीछे भी इधर है। पीछे है, दिख रहा होगा आपको। अच्छा। और एक इधर साइड है। अच्छा, फिर ग्लो बॉक्स जो है, ग्लो बॉक्स बाहर आ जाएगा। बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये खोलो, दो पेंच और हैं इसमें। एक इधर की साइड है लगा हुआ और एक यहाँ पर है लगा हुआ। इसे भी खोलना होगा, तब ये ग्लो बॉक्स बाहर आ जाएगा। इजी है इसको खोलना। जरूरत हमें भी है। टोटल कितने स्क्रू हैं इसमें? 6 स्क्रू टोटल। 12 स्क्रू नहीं है इधर, वो खुल गया है। ठीक है, ये बाहर आ जाएगा। इसमें लाइटों के कपलर वगैरह लग रहे हैं। ये एसी कूलिंग की पाइप है। ग्लो बॉक्स में जो सामान रखते हैं उसे ठंडा रखने के लिए है ये। हाँ, चलो आगे बढ़ो। कपलर वगैरह निकालने हैं। ये डीवीडी प्लेयर है, पीछे भी कपलर है इसमें। ठीक है दोस्तों, ये निकाल दिए इसके सारे कपलर। इसके 5-7 कपलर हैं, ठीक है। लाल भाई पीछे रखवा देते, ये पीछे रख दिए सर। तो इसके अंदर है एसी फिल्टर, ये रहा। एक बार बिलाल भाई खोल लो। ये ले, ये रहा आपके सामने एसी फिल्टर, ये है। तो दोस्तों, काफ़ी सारी फिटिंग खोलनी पड़ती है, गियर बॉक्स खोलना पड़ता है, ग्लो बॉक्स खोलना पड़ता है इसके लिए, ठीक है। और हाँ जी, इसके अंदर फ्यूज बॉक्स भी आपको इसी के अंदर मिलेगा, ठीक है, लेफ्ट हैंड पे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगा तो लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं।